कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है। बुखार है इन्हें, ये पहले से कमजोर हो गए हैं, इन्हें टाइम पे खाना खिलाइए और जूस खिलाइए। डॉक्टर साहब कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? घबराइए नहीं, आपके पिताजी पहले से स्वस्थ हैं। ये कुछ दवाइयाँ लिखी है मैंने, ये दिला देना। ठीक है डॉक्टर साहब। शुभम ये दवाइयाँ दी डॉक्टर साहब ने, लेकर आओ मार्केट से। ठीक है मैं जाऊँगा वहाँ। ठीक है। वैसे आपकी मिसेज नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ पे है? वो मायके गई हुई है डॉक्टर साहब जी, तो वो कुछ बीमार हो गए थे ना उसके घर पे, तो इस वजह से उसे जाना पड़ गई इमरजेंसी। फिर आपके पिताजी का ध्यान कौन रख रहा है? बाबा का ध्यान भाई और मैं रखते हैं दोनों। अच्छा जी। उनके टाइम पे जूस देते रहना और खाना टाइम पे खिला देना, दवाइयाँ भी। ठीक है। और एक और जरूरी बात, उन्हें धूम्रपान से बचाना, जितने धूम्रपान से बचाओगे उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे घर में डॉक्टर साहब कोई धूम्रपान नहीं करता है। अच्छा। हम पूरी सुरक्षा रखेंगे जिससे कि बाबा बचे रहे। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। शुभम छोड़ कर आ डॉक्टर साहब को। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब जी। शुभम अशोक शुभम पानी क्या कर रहा है? पानी शुभम पिताजी पिताजी क्या हुआ पिताजी? शुभम जी भैया एक बात बता मुझे, वो मिस्टर कुमार मिले थे मुझे रास्ते में, कुछ बता रहे थे तेरे बारे में। क्या बता रहे थे? वो मुझे बता रहे थे तुम उनके घर के पास पहुंच जाते हो और वहां से सिगरेट खरीदते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें मैं किस लिए पैसे देता हूँ इतने? तुम्हें सिगरेट खरीदने के लिए पैसे देता हूँ? आज के बाद तुम्हारा बाहर जाना और तुम्हें दोस्तों से मिलना सब बंद। तुम देखते नहीं हो पिताजी की क्या हालत है? तुम्हें दिखाई नहीं देता पिताजी की क्या हालत है? धूम्रपान करने की वजह से ही यही हालत हुई है उनकी। वो भैया वो बकवास बंद कर, समझ गया? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आपके पिताजी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में क्या है डॉक्टर साहब? सब ठीक तो है ना? मुझे जानकर बहुत शोक लगा कि आपके पिताजी लगातार धूम्रपान कर रहे हैं। क्या? मैं आपसे 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, सिर्फ 10 मिनट दीजिए आप मुझे। अच्छा अब मुझे समझ में आया, तू बाबा जी को सिगरेट पिलाता है। मैं दिन रात उनकी दवाइयों पे पैसे खर्च कर रहा हूँ और तू उन्हें सिगरेट पिला रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है? क्यों करता है तू ऐसा? बता सच सच क्यों करता है? तो आप सब सुन जाते तो सुनो, मैं पिताजी को सिगरेट पिलाता हूँ। हाँ मैं पिलाता हूँ, मैं पिताजी को सिगरेट इसलिए पिलाता हूँ ताकि पिताजी अपने आखिरी दौर में खुश रह सके। तुम्हारी दवाई से पिताजी कितने साल जी सकते हैं? कितने साल बताओ? ज्यादा 5 साल है। लेकिन जो मैं सिगरेट पिलाता हूँ उससे पिताजी 2 साल जिएंगे, 2, लेकिन जिएंगे अपनी खुशी से। तो फिर मैं पिताजी को सिगरेट इसलिए पिलाता हूँ ताकि पिताजी खुश रह सके। तुम्हारा मतलब है कि मैं बाबा से प्यार नहीं करता? ऐसी बात ही नहीं है, तुम भी उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ। हर कोई बच्चा अपने माँ बाप को उतना ही प्यार करता, लेकिन हम क्या करते हैं उनके आखिरी पलों में हम अपने माँ बाप को बांध देते हैं। पिताजी ये मत करो, पिताजी वो मत करो, हम ऐसा क्यों करते हैं?
हमें उन्हें उनके आखिरी पल में दो पल सुख चैन के जीने देने चाहिए। तो तू क्या कहना चाहता है कि उन्हें हम अपने माँ बाप की परवाह ना करें? नहीं नहीं, परवाह करनी चाहिए, लेकिन उनके वही काम करने चाहिए जिससे वे खुश रह सके। तुम एक एजुकेटेड बंदे हो, तुम्हें यह नहीं पता कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है? तो हम बाबा को ये इस चीज की लत लगने दे। हाँ मैं जानता हूँ धूम्रपान करना गलत है, तुम भी जानते हो, हर कोई बच्चा जानता है। हमें अपने माँ बाप को अब ना रोक कर उन्हें तब रोकना चाहिए जब वे समझने के काबिल हो। ऐसी बात नहीं है हर किसी के माँ बाप को धूम्रपान में खुशी मिलती हो, हर किसी के माँ बाप को अलग अलग चीज में खुशी मिलती है। लेकिन बच्चों को क्या करना चाहिए? जिस चीज में उन्हें खुशी मिलती है वो काम कराना चाहिए। अब तुम्हें सिगरेट लाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैं पूरा का पूरा डब्बा अपने बाबा के लिए लेकर आ जाऊंगा। और तुमने मेरी आज आंखें खोल दी है, मैं तुमसे बहुत ही खुशी, और मैं तुम्हें इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसमें हमारे माँ बाप की खुशी है हमें वही करना चाहिए। अच्छा।